एक दिन प्रातःकाल गांव का चौकीदार कोई संदेश लेकर परम पिताजी के घर आया। सर्दी का मौसम था तथा शीत लहर चल रही थी। उस चौकीदार के शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था तथा वह सर्दी से थरथर कांप रहा था। आपजी को उसे सर्दी में कांपते देख उसकी दयनीय हालत पर रहम आ गया। उस समय आपजी ने स्वेटर व कोट पहन रखा था तथा कंबल भी ओढ़ रखा था। आपजी ने तुरंत उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर अपना कंबल उसे ओढ़ा दिया। इस उपकार के बदले उस चौकीदार ने आपजी का कोटि-कोटि धन्यवाद किया। सचमुच आपजी उदारता एवं दयालुता के कार्य करने हेतु हर समय तत्पर रहते थे। एक बार की बात है कि आप जी भोजन करने बैठे ही थे, एक व्यक्ति आप जी के पास अचानक आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। मैले व फटे पुराने वस्त्र तथा भूख से व्याकुल चेहरा देखकर आप जी तुरंत समझ गए कि यह व्यक्ति कई दिनों से भूखा है। आप जी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भक्ता, लस्सी पीनी है? अभी वह हाँ कहने में संकोच ही कर रहा था कि आप जी ने लस्सी से भरा हुआ लोटा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस व्यक्ति ने एक ही सांस में पूरे का पूरा लोटा खाली कर दिया। तत्पश्चात आप जी ने अपने भोजन की थाली भी उसकी ओर बढ़ा दी। भोजन की थाली देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। थाली पकड़कर वह व्यक्ति वहीं बैठ गया व भोजन करने लगा। जब पूजनीय माता आसकोर जी आपके लिए पुनः भोजन लेकर आए तो उस व्यक्ति ने पुनः लस्सी पीने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा, माता जी लस्सी और है? इस पर पूजनीय माता जी ने कहा, लस्सी बहुत है बेटा। और यह कहकर माता जी ने फिर से लस्सी का लोटा भर दिया। जी भर कर लस्सी पीने के बाद वह प्रसन्न होकर माता जी से बोला, माता जी मैं 3 दिन से भूखा था, आज भर पेट भोजन मिला है। यह कहकर उसने आप जी का हाथ अपने हाथों में लिया और आप जी के नूरी ललाट को ध्यान पूर्वक देखते हुए कहा, माता जी यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। ये दीनता व दया के भंडार और बहुत बड़े दाता बनेंगे। मैंने न ही लस्सी मांगी थी और न ही खाना मांगा था, परंतु मेरी भोजन करने की इच्छा अवश्य थी। किसी के मन की बात ईश्वर के अतिरिक्त और कौन जान सकता है? वही अपनी मौन करुणा द्वारा सभी को तृप्त करता है। इसलिए इन्हें केवल इंसान ही मत समझना, ये तो बहुत बड़े संत महापुरुष हैं। पूजनीय माताजी के मन में विचार आया कि वह व्यक्ति भोजन प्राप्ति के बदले मेरे पुत्र की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन समय आने पर ही भेद मालूम हुआ कि उक्त व्यक्ति ने उस समय सत्य वचन ही कहे थे। आगे चलकर ये बात सत्य हुई और पूजनीय गुरु जी ने अपनी पवित्र पावन दृष्टि व आध्यात्मिक सत्संगों द्वारा करोड़ों जीवात्माओं का उद्धार किया है।